हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। तो आज हम बनाएंगे चॉकलेट बार, वो भी 6 टाइप के। तो आइए देखते हैं हमें इसको कैसे बनाना है। यानी जिसके लिए मैंने ये रोस्टेड केश्यू आलमंड लिए हैं, ये मेरे पास ड्राइड स्ट्रॉबेरी है, ये भी मेरी होममेड है जिसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, और ये मैं पान फ्लेवर चॉकलेट बार बनाना बताऊंगी जिसके लिए मैंने सौंफ और ये चेरी का यूज करूंगी, और ये पिस्ताचो है, रोज पेटल्स है, यानी रसमलाई फ्लेवर की चॉकलेट के लिए हमें ये चाहिए होगा केसर, और कुकी एंड क्रीम वाली के लिए हमें चाहिए होगा ये क्रस्ट, मैंने ओरियो कुकी लिए हैं, और ये मेरे पास सीड्स हैं जहां मेरे पास पम्पकिन सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, तो इनका मैं यूज करूंगी। ये मैंने हल्के से रोस्ट है वो कर लिए हैं। मैंने यहाँ दो तरह की चॉकलेट है वो ली है, ये मैंने डार्क चॉकलेट है जिसको चॉप कर लिया है, और ये मेरे पास मिल्क चॉकलेट है। मैंने यहाँ मोर्डे का कंपाउंड यूज किया है, तो डार्क चॉकलेट है वो डबल ली है और मिल्क चॉकलेट है वो इससे हाफ ली है मैंने। तो अब मैं सबसे पहले क्या है, 30 सेकंड के लिए इसको माइक्रोवेव पावर पे मेल्ट करूंगी। ये मेरे पास पॉलीकार्बोनेट बार मोल्ड है, इसका यूज मैं करूंगी। तो सबसे पहले मैं चॉकलेट का वो मेल्ट कर रही हूं। थर्टी सेकेंड हो गया है, तो हमें इसको एक बार मिक्स कर देना है, फिर हम दोबारा इसको 30 सेकेंड के लिए और मेल्ट करेंगे ताकि हमारी इक्वल है वो चारों तरफ से चॉकलेट है वो मेल्ट हो जाए। ये दो बार मैंने 30 सेकेंड मेल्ट किया है और आप देख सकते हैं अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। तो अब मैं मिल्क चॉकलेट को भी इसी प्रोसेस से मेल्ट कर रही हूँ। हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई है, बाकी कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट होने के साथ इसमें शाइनिंग आ जाती है कंपाउंड चॉकलेट में, इसको टेम्पर करने की जरूरत नहीं होती है, टेम्पर है वो प्योर चॉकलेट की जाती है। ये हमारे 30 सेकेंड मेल्ट हुई है, इसको भी हम दोबारा, तो यदि आप प्योर चॉकलेट टेम्पर करना सीखना चाहते हैं तो वो भी क्लास मेरी अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं। ये हमारी मिल्क चॉकलेट भी मेल्ट हो गई है, मेक श्योर इसमें कोई भी वो रहना नहीं चाहिए चॉकलेट का। तो अब मैं इसको इसमें मिक्स कर देती हूँ डार्क में मिल्क को। ये एक सिंपल प्रिपरेशन है, डबल डार्क और वन मिल्क, बाकी यदि आपको जो जैसा टेस्ट अच्छा लगे आप उसी प्रिपरेशन में इसको ऐड कर सकते हैं, किसी को बिटर पसंद आए तो आप डार्क ज्यादा ले सकते हैं। तो मैं दोनों को अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स। आपको यूं उल्टे चम्मच का इस्तेमाल करते हुए मिक्स करना है ताकि इसमें बबल्स है वो कम से कम क्रिएट हों। ये देखिए हमारी चॉकलेट अच्छे से मिक्स हो गई है। तो अब ये बार मोल्ड है ये ले लेती हूं मैं और इसमें पोर करती हूं इसको। अब हमें इसको अच्छे से टैप टैप करना है। अब मैं एक के ऊपर स्ट्रॉबेरी है वो ड्राइड स्ट्रॉबेरी है वो लगा देती हूँ।
ये मेरे पास रोस्टेड नट्स हैं, एक पर मैं ये डाल रही हूँ। ड्राइड में आप कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। ये मेरे पास एप्रिकॉट है, आप अंजीर एनीथिंग ले सकते हैं कुछ भी। ये मैं ओरियो है इसको डाल रही हूँ एक पे। तो ये हमारे तीन बार रेडी हो गए हैं। अब मैं फ्लेवर है वो ऐड करती हूँ। पान फ्लेवर चॉकलेट के लिए मैं थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट है वो अलग ले रही हूँ। इसमें मैं पान का एसेंस है वो ऐड करूंगी। तो एसेंस है वो हमें ऑयल बेस ही लेना है जो चॉकलेट में सोल्यूबल हो। ये मेरे पास पान फ्लेवर एसेंस है तो मैं एक दो ड्रॉप ज्यादा नहीं डालूंगी, एक दो ड्रॉप ही डालूंगी। अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके लिए क्या है कि मैं चेरी है वो नीचे डाल रही हूं। जो जब भी आप नीचे डालें तो फिर आप टैप टैप नहीं करें। आप चाहो तो इसमें पान मसाला भी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें चॉकलेट पोर करूंगी। इसको मैं बस हल्का सा ही टैप करूंगी। थोड़ी सी चेरी और सौंफ मैं ऊपर भी ड्रिजल कर रही हूं। थोड़ी सी मेरे पास ये इलायची है सिल्वर वाली, ये भी मैं डाल रही हूं। तो ये हमारी पान फ्लेवर्ड बार है वो रेडी है। नेक्स्ट हम रसमलाई वाली फ्लेवर बताती हूँ। तो एक बाउल में मैं मेल्टेड चॉकलेट है वो निकाल लेती हूँ। इसमें मैं डाल रही हूँ रसमलाई एसेंस। ये मेरे पास फैब का एसेंस है जो कि चॉकलेट सोल्यूबल है। हमें दो तीन ड्रॉप ही यूज करना है। कर लूंगी मैं अच्छे से मिक्स। इसमें भी मैं नीचे पिस्ताचू डालूंगी। थोड़ी सी केसर, इसको आप व्हाइट चॉकलेट के साथ भी बना सकते हैं। अब मैं इस पे पोर कर देती हूँ चॉकलेट। इसको भी हमें ज्यादा टैप टैप नहीं करना है, लिटिल मोल्ड अब अच्छे से फिल करने हैं। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं पिस्ताचू। थोड़ी सी रोज पेटल्स, थोड़ी सी केसर। इस पे आप वर्क का भी यूज कर सकते हैं। तो ये रसमलाई फ्लेवर हमारा रेडी है। अब हमें सीड्स वाली बनानी है तो उसमें भी मैं थोड़े नीचे सीड्स पोर करूंगी। ये सीड्स सारे मेरे रोस्टेड हैं,
आपको हल्का सा रोस्ट करना है इनको ताकि अच्छा सा फ्लेवर आए। इसमें भी पोर कर देती हूँ। सीड्स के कारण ये काफी हेल्दी हो जाती है। आप इसमें अपने मनपसंद कोई भी सीड्स है वो ऐड कर सकते हैं। अब थोड़े से सीड्स है मैं ऊपर डाल देती हूँ। इसमें आप चिया सीड्स भी यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रखती हूँ 20 से 25 मिनट के लिए, फिर आपको डिमोल्ड करके दिखाती हूँ। तो आधा घंटा हो चुका है, हमें इसको यूं कुछ इस तरह कर लेना है ट्रे को, और इसको डिमोल्ड करती हूँ मैं। इस तरह हमारी सारी बार है वो रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप इनको बना के सेल भी कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग इनका टेस्ट होता है। तो मेरे को जरूर बताएं, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।